गाइस आप देख सकते हैं, ये है शिव मंदिर जो कि बहुत पौराणिक और बहुत ऐतिहासिक शिव मंदिर में से एक है गाइस। और ये है, हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बहराइच जिला के बागेश्वरनाथ शिव मंदिर जो कि स्थिर है बागेश्वरनाथ में, ये पड़ता है प्यास में गाइस। और परसों है कजी तीज मेला जहाँ पे लाखों श्रद्धालु आएंगे जल चढ़ाने के लिए। और गाइस इस मंदिर का जो पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यता बहुत बड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे सोमवार को सैकड़ों और हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं। वही बात की जाए कजी तीज, तो कजी तीज में लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। इस मंदिर की मान्यता की बात करें तो आगे हम बात करते हैं और आपको यहाँ का पहले स्वरूप दिखाते हैं, कितना विशाल ये मंदिर है। और आगे हम बात करने वाले इस मंदिर की, किसने स्थापना की थी, उस मंदिर को किसने बनवाया था। फाइनली आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। गाइस आप देख सकते हैं, ये है शिव मंदिर जो कि बहुत पौराणिक और बहुत ऐतिहासिक शिव मंदिर में से एक है गाइस। और ये है बागेश्वरनाथ शिव मंदिर। फाइनली मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ और यहाँ की विशाल शिवलिंग दिखाता हूँ। दोस्तों अगर हम इसकी इतिहास की बात करें कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, इस मंदिर कितनी पुरानी दोस्तों, तो गूगल की माने तो दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था तो प्यापुर के राजा ने, जो कि ये मंदिर लगभग 150 से 200 साल पुरानी है। और बात की जाए इसकी शिवलिंग की, तो शिवलिंग का कोई पता नहीं है क्योंकि ये शिवलिंग स्वयं शंभू है और भू से निकली हुई शिवलिंग है। और कहा जाता है कि जब पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था तो वहाँ उन मंदिरों में से एक बागेश्वरनाथ शिव मंदिर भी है, यहाँ पे आए थे। उस टाइम बहराइच और विशेषरगंज के घने जंगलों में ये मंदिर, ये शिवलिंग पे रुके थे, यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की थी, उसके बाद आगे की ओर बढ़ गए थे। हे गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दिए लाइक, फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।